सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और क्लिक कीजिए इस बेल आइकॉन पे ताकि हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस थंब पे क्लिक करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिंधी स्टाइल में कचालू की टिक्की कैसे बनती है ये बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए दोस्तों मैंने लिया है 10 से 12 मीडियम साइज़ का कचालू, जिसे हमने अच्छे तरीके से धोकर कुकर में 4 सीटी आने तक बॉईल किया है। उसके बाद मैंने इसे छील कर अलग रख लिया है। सरसों का तेल, आप कोई भी तेल यूज़ कर सकते हो, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। चलिए सबसे पहले हम अपने कचालू का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए आप एक बाउल ले लें, उसमें आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालें। इन सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लें। ये देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बनके तैयार है। चलिए अब हम अपने कचालू की टिक्की बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कढ़ाई में 4 बड़े चम्मच तेल गर्म होने रखें। जब तक आपका तेल गर्म हो रहा है, तब तक आप अपने हाथों में थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लें और इन कचालुओं को अपने हाथों में लेके थोड़ा सा प्रेस करके फ्लैट कर लें ताकि ये टिक्की की शेप ले ले, जैसा कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ। इसी तरीके से दोस्तों मैंने अपने सारे कचालू की टिक्कियों को फ्लैट कर लिया है। अब मैं इसे अपने गर्म तेल में डाल रही हूँ। जब ये एक तरफ से अपना कलर थोड़ा चेंज कर लेगा तब मैं इसे पलटूंगी और आपको फ्लेम लो रखनी है। इसमें तकरीबन 2 मिनट का समय लगेगा। फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने अपनी टिक्कियों को पलटना शुरू कर दिया है। अब इस समय हमें अपने कचालू की टिक्कियों पे तैयार मसाला स्प्रिंकल करना है। जो पाउडर मसाला हमने मिला के रखा था वही मसाला मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ और आपको इसे 2 मिनट के बाद पलट लेना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी थोड़ा सिक जाए। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ी सी और फ्लैट हो जाए। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप भी फ्लैट कर लेना और मैं दूसरे तरफ से भी अपना तैयार मसाला स्प्रिंकल कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ से अपना मसाला स्प्रिंकल कर दिया है और मैंने अपनी फ्लेम को लो रखा है। फ्रेंड्स, जब ये एक तरफ से थोड़े से सिक जाएंगे तब हम इसे पलटेंगे। ये देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो गए थे और मैंने इसे पलट दिया है। आपको इसे वापस से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लेना है। बहुत ज़्यादा दबा के आप प्रेस नहीं करें, बस थोड़ा थोड़ा इसे प्रेस करना है। इस समय मैं किनारों से इस पे 1 चम्मच तेल और डाल रही हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे मसाला थोड़ा कम लग रहा था इसीलिए मैंने थोड़ा सा मसाला इस पे और स्प्रिंकल किया है। अगर आप कम मसाला पसंद करते हो तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो। और मैंने इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैं इसे वापस से पलट रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरे तरफ से भी मैं 1 चम्मच तेल इसमें और डाल रही हूँ। और अब हमें इसे अच्छा सा कलर आने तक सेक लेना है। आप फ्लेम लो रखें, अगर मसाला डालने के बाद आप फ्लेम हाई करोगे तो आपके मसाले जल जाएंगे। इसे आप बीच बीच में थोड़ा सा दबाते रहें ताकि इसमें एक समान कलर आए और ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं दबा रही हूँ इसी तरीके से आपको भी इसे प्रेस करना है। अब हम अपनी फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे गोल्डन होने तक सेक लेंगे, जब तक कि इसमें एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी फ्लेम को मीडियम कर दिया है और अब मैं अपने कचालू की टिक्कियों को 2 मिनट के लिए एक तरफ से पका लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, यही कलर हमें अपने कचालू की टिक्कियों में चाहिए।
एक तरफ से हमारी टिक्की सिक चुकी है। फ्रेंड्स देखिए, मेरी टिक्की अच्छे से सिक गई है, ये दोनों तरफ से एक समान इसमें कलर आ गया है। अब हम इसे सर्व करेंगे। ऐसा ही कलर आपकी भी टिक्कियों में आना चाहिए। बस आप एक बात का ध्यान रखें, मसाला डालने के बाद आप इसे लो फ्लेम पे ही बनाएं, और पहले भी आपको मीडियम फ्लेम पे ही बनानी है, हाई फ्लेम नहीं करना। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।